हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केएफसी बिग बैश लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में मेलबर्न के मावल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 29 दिसंबर को दोपहर के 1:45 पर। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी 6 के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां पे आपको बिग बैश लीग के अलावा सुपर स्मैश के मुकाबले, एशेस के मुकाबले, इंडिया साउथ अफ्रीका के मुकाबले, सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीम मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो पिछले जो यहां पे 2-3 मुकाबले खेले गए हैं, उन सभी मुकाबलों में ये पिच काफी अच्छी रही है बल्लेबाजी करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर भी काफी अच्छी होगी ये पिच। यहां पे जनरली टीमें पहले बल्लेबाजी करना प्रिफर करती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेलबर्न रेनेगेड्स के बारे में, जो कि अब तक केवल 5 में से एक ही मुकाबला जीत पाई है। और अब इस टीम को बचे हुए मुकाबले जीतने शुरू करने पड़ेंगे। इस टीम की दिक्कत है इस टीम का बैटिंग लाइनअप। ये टीम केवल 2 बल्लेबाजों के ऊपर रिलाय करती है बल्लेबाजी में। सबसे पहले आते एरोन फिंच, उन्होंने फॉर्म भी काफी शानदार दिखाया है और वो इस मुकाबले के अंदर ही बड़ा पार्ट प्ले करेंगे ओपन करते हुए। और दूसरे आते निक मेडिसन, जो कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी के पिछले मुकाबले में उन्हें गेंदबाजी के अंदर भी 1 विकेट निकाला। लेकिन इन दोनों के अलावा इस टीम में एक भी बड़ा बल्लेबाज नहीं है, जो कि दिक्कत की बात है। आप केवल 2 प्लेयर के ऊपर बैटिंग रिलाय नहीं कर सकते। सैम हार्पर है, मैकेंजी हावी है, मोहम्मद नबी है, होने को कुछ नाम है टैलेंटेड, लेकिन वो डिलीवर बिल्कुल नहीं कर पाए। पिछले मुकाबले में जो टीम के गेंदबाज हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी, तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट रहा इस टीम का। जो थोड़ा इनका लोड ऑर्डर थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेता जरूर से उनके ऊपर वापस निगाह होने वाली है। लेकिन बैटिंग इस टीम की दिक्कत है। फिंच और मेडिसन के अलावा लोगों को फायर करना पड़ेगा। केन रिचर्डसन इस मुकाबले में खेलने वाले हैं, कुल 9 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए। वापस उनके ऊपर निगाह होने वाली है इस मुकाबले के अंदर भी। जहीर खान को 8 विकेट मिले हैं, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, विकेट टेकर हैं, वो भी अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे। उसके अलावा जेम्स पैटिनसन है, रीस टॉपली है, तो कुछ काफी डिसेंट नाम है गेंदबाजी में जो कि विकेट निकाल सकते हैं। पर अगर टीम की बल्लेबाजी अच्छा नहीं कर पाएगी तो इस टीम को बचना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं रेनेगेड्स के बारे में, तो एक बदलाव हो सकता है इस मुकाबले में। केन रिचर्डसन जो है वो विल सदरलैंड को रिप्लेस कर सकते हैं, तो मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए ओपन कर सकते हैं एरोन फिंच और मैकेंजी हावी। नंबर 3 पे निक मेडिसन, नंबर 4 पे सैम हार्पर, नंबर 5 पे जेक फ्रेजर मगोक, नंबर 6 पे मोहम्मद नबी, नंबर 7 पे जेक प्रेस्टविज, फिर केन रिचर्डसन, जेम्स पैटिनसन, रीस टॉपली और जहीर खान। तो जरूर से एक इंपॉर्टेंट मुकाबला है मेलबर्न के लिए और टीम इस मुकाबले में जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं होबार्ट हरिकेन्स के बारे में, जो कि अपने 6 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है और ये टीम लगातार पिछले 2 मुकाबले जीतते हुए आ रही है। तो इस टीम का जो फॉर्म है वो बहुत ही मेरे को शानदार लग रहा है। अगर मैं बात करता हूं बल्लेबाजी के बारे में, तो बेन मैकडरमॉट ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार सेंचुरी मारी। पिछले साल भी वो टीम के हाइएस्ट रन स्कोरर थे, इस मुकाबले के अंदर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। मैथ्यू वेड अब तक एक ही बड़ी पारी खेल पाए हैं, पर एक बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हुए ओपन करते हुए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और डार्सी शॉट नंबर 3 पे खेल रहे हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं पर एक रिलायबल बल्लेबाज हैं। तो होबार्ट हरिकेन्स की जो टीम है वो टॉप ऑर्डर के ऊपर कुछ ज्यादा रिलाय करती है। बेन मैकडरमॉट, मैथ्यू वेड, डार्सी शॉट, ये 3 इनके बड़े बल्लेबाज हैं। अगर ये 3 नहीं चलते हैं तो टीम पे प्रेशर आएगा। अंत में जाके टिम डेविड के रूप में एक काफी अच्छा फिनिशर भी इस टीम के पास में, तो टिम डेविड के ऊपर भी निगाह होने वाली है। गेंदबाजी काफी शानदार रही है। टॉम रॉजर्स इस टीम के लिए बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट निकाल चुके हैं और रॉजर्स की तेज गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही है इस टीम के लिए। रायली मेरेडिथ को 3 मुकाबलों में 7 विकेट मिले हैं, पिछले साल 16 विकेट निकाले थे, एक बहुत ही तगड़े तेज गेंदबाज। और नेथन एलिस भी इस टीम के लिए 8 विकेट निकाल चुके हैं। तो ये 3 तेज गेंदबाजों की जो जोड़ी है वो बहुत कमाल खेली है। साथ ही में इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही शानदार फॉर्म में लग रहा है। होबार्ट मेरे हिसाब से बहुत ही
स्ट्रॉन्ग टीम है, इनके बैट्समैन ऐसे हैं जो 200 से ऊपर रन मार सकते हैं और इनके जो गेंदबाज हैं वो सारे के सारे जनरल विकेट टेकर्स हैं, तो होबार्ट की टीम को बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। टीम इस मुकाबले में लगातार 3 मुकाबले जीतना चाहेगी। होबार्ट के लिए ओपन कर सकते हैं बेन मैकडरमॉट और मैथ्यू वेड, नंबर 3 पे डार्सी शॉर्ट, नंबर 4 पे हैरी ब्रूक, नंबर 5 पे पीटर हैंडस्कॉम, नंबर 6 पे टिम डेविड, नंबर 7 पे जॉर्डन थॉम्सन, फिर नेथन एलिस, टॉम रॉजर्स, राइली मैरिडी, तो संदीप लामी छाने, तो जरूर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला होबार्ट के लिए और टीम लगातार 3रा मुकाबला जीतना चाहेगी। आप कमेंट करके बताओ ये मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी मेलबर्न, वो टीम होगी होबार्ट, बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाले एक स्क्रीन के ऊपर। तो मेरी पिक रहेगी इस मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स की टीम। होबार्ट हरिकेन्स की बैटिंग काफी शानदार है, बॉलिंग काफी शानदार है और फॉर्म भी उनके साथ होने वाला है। वहीं जो मेलबर्न की टीम है वो स्ट्रगल करती मुझे नजर आती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।